हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, अभी फिलहाल हम चल रहे हैं सोनारचक। जैसा कि पिछले ब्लॉग में बताए थे आप लोगों को कि हमारे एरिया में और हमारे घर तरफ में जो भी था आयुष्मान कार्ड बनाने का, सब बन गया लगभग। तो अभी फिलहाल हम चल रहे दूसरे एरिया में। वही आंटी ये भी फ़ोन की थी कि आ जाने के लिए इधर, तो फिलहाल इधर ही चल रहे हैं। हमारा घर जैसा कि आप लोग बताए हैं, हमारा तुलसी किताब रहता है और ये सोनारचक चल रहे हैं। तो हम तो फिलहाल उधर से आए हुए हैं और हम उधर चल रहे हैं। वो गांव सब जो दिख रहा है ना, उधर ही चल रहे हैं, खेत खेत रास्ता। और हम इधर जा सकते थे रोड तरफ से, लेकिन रोड तरफ से थोड़ा लेट पड़ेगा, इसीलिए शॉर्टकट ही जा रहे हैं। और थोड़ा घूम भी लेंगे, अच्छा भी लगेगा, हवा भी चल रहा है, एकदम मस्त लग रहा है। और खेत उतने से भी घूमना चाहिए, शुद्ध पर्यावरण एकदम मिलता है। वैसे भी इधर भी हम बहुत दिन के बाद आ रहे हैं घूमने के लिए। खेत तो खाली ही है गाइस, पानी पड़ा नहीं है, तो क्या रोपेंगे लोग। फिर भी कुछ कुछ लोग जिसको पानी का साधन है वो रोपे हुए हैं। जैसे कि सामने देखिए, ये हो गया शायद मूंग, देखते हैं क्लोज जा करके क्या है। शायद मूंग ही है, हम भूल रहे हैं, मूंग ही होगा। और उधर मूंग है। और ये सब में भी रोपा गया है, देखिए ना, हर चला करके जोत दिया गया, एकदम प्लेन कर दिया गया ये खेत में और ये खेत में। और उधर से फिर खाली है, और पीछे वाला भी फिर मूंग आज। जिसका पानी का सुविधा है वो रोपा है, जिसका नहीं है वो ऐसे खाली पड़ा हुआ है। ये देखिए नहर है, हम लोग का दो दो नहर हो गया, इसमें पानी रहता है लेकिन पानी नहीं है, पानी पड़ा नहीं है, पानी छोड़ा भी नहीं है। पानी छूटता है तो पता नहीं हम लोग के इधर इसी का नहर बन जाता है, पानी नहीं छूटता है। अब थोड़ा दूर बचा हुआ, वहाँ निकलेंगे, फिर इसके बाद कॉल करेंगे कि कहाँ जाना है हमको। ये रास्ता से नहीं, ये रास्ता चलते हैं। हाँ, ये रास्ता लगता है यूज। कबूतर सब उड़ रही है, तो फाइनली गाइस इस गांव में पहुंच गए हैं। अब यहाँ से चलते हैं, खोजते हैं आंटी का घर कहाँ है। वैसे इस गांव में हम आए हैं लेकिन वो आंटी का घर कहाँ है ये हमको नहीं पता है। फिलहाल कॉल किए लेकिन कॉल आंटी उठाए नहीं, तो पूछते हैं कहाँ है। इस गांव के बीच में शंकर भगवान का प्यारा सा मंदिर है, यहाँ पे हमको भोलेनाथ का दर्शन हो गया। और यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा काम। पहले चलिए भोलेनाथ का दर्शन कर लेते हैं और आप लोग को भी दर्शन करते हैं, फिर इसके बाद। तो ये देखिए सामने हमारे भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। और आसपास के सीन कुछ इस प्रकार है। और ये हो गया मोहल्ला, बिल्कुल खाली है अभी, तो यहाँ से हमारा काम स्टार्ट हो रहा है। तो गाइस अब चल रहे हैं हम घर, 8 बज गया है, ट्यूशन भी जाना है ना। अभी तो कुछ बना है कार्ड और शाम में भी आ जाएंगे 5 बजे ले। तो फिलहाल चलते हैं खेत तरफ से ही जाएंगे, यहाँ काली माँ का मंदिर है। जय माँ काली। डाब नींबू। यही कल के पास से हम इधर आए हुए थे और इधर से ही चलते हैं शॉर्टकट। तो फाइनली गाइस घर पहुंच गए हैं और अभी फिलहाल नाश्ता करते हैं। तो ये देखिए नाश्ता में है दही और भुजिया रोटी। इधर फिलहाल मम्मी चावल धो रही है दोपहर के खाना के लिए, और उधर चावल के लिए पानी और दाल चढ़ा हुआ है ना मम्मी। तो चलिए फटाफट खाते हैं। तो गाइस अच्छे देर लग गया हमको थंबनेल बनाने में। कल का ब्लॉग का थंबनेल बढ़िया नहीं बना पाए थे और थंबनेल में गलती भी हो गया था गाइस, तो उसी को सुधार लिए और थंबनेल थोड़ा बना रहे जिसमें काफ़ी ज़्यादा लेट लग गया। और उसके बाद अभी जस्ट हम नहाने के लिए आए, नहा करके रेडी भी हो गए और कुछ कपड़ा धोए हुए थे, सबको फिलहाल यहाँ पर पसार दिए हैं, मस्त सूख रहा है। तो अब चलिए नीचे चलते हैं। आज दोपहर के खाना में है चावल और सब्जी, ये भुजिया मॉर्निंग टाइम में बना हुआ था। और सब्जी है ओल का सब्जी, काफ़ी टेस्टी बना है, बहुत अच्छा लगता है गाइस ओल का सब्जी, मस्त एकदम मम्मी बनाई हुई, लेके आप लोग को दिखाते हैं, एकदम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ओल का सब्जी। तो अभी निकालते हैं खाना। तो गाइस अभी जस्ट आ रहे हैं आयुष्मान कार्ड बना करके, और टाइम हो गया अभी फिलहाल 7, और आ करके अभी मुँह कान धोए और शर्ट वर्ट चेंज किए हैं, और कल तो निकलना है गाइस। तो देखिए कल सामान वान जरिया लेंगे, परसों निकलना है, कल नहीं परसों निकलना है। तो फिलहाल चलते हैं, इस वीडियो को एडिट करेंगे, आज कुछ छोटा ब्लॉग बनाए, क्योंकि दोपहर में खाना खाने के बाद फिर सो गए थे, फिर उसके बाद डायरेक्ट शाम में वहाँ पहुँच गए, और उसके बाद ब्लॉग व्लॉग नहीं बना, जो बनाया इतना ही बनाया। तो फिलहाल इस ब्लॉग का एंड करते हैं, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग। जय हिंद।